YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां शुरू हो गई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंक दिया है। इस कड़ी में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अखिलेश यादव हैं वो कौन कौन से कैंडिडेट को, जो विधायक हैं फिलहाल, वर्तमान विधायक हैं, और उनको चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, यानी कि लोकसभा के चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, जिसमें काफ़ी फेमस नाम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, बात करें तो उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी हर राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। हालांकि कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने मौजूदा विधायकों को लड़ाने का भी विचार कर रही है। सूत्रों का दावा है कि पार्टी करीब 10 मौजूदा विधायकों को आगामी चुनाव में अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि जिन मौजूदा विधायकों को आगामी चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है, उनमें सबसे ऊपर खुद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का नाम है। अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव अभी करहल, तो शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर सीट से विधायक हैं। वहीं पल्लवी पटेल का भी लोकसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, जो सिराथू से वर्तमान में विधायक है। इन्हें भी मिल सकता है टिकट। इटावा विधानसभा सीट से विधायक माता प्रसाद पांडे और ऊंचाहार सीट से वर्तमान विधायक मनोज पांडे का भी लोकसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो मछली शहर से वर्तमान विधायक डॉक्टर रागनी सोनकर की उम्मीदवारी आगामी चुनाव में तय मानी जा रही है। इसके अलावा मंजानपुर सीट से समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक इंद्रजीत सरोज भी चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले तबके में जबरदस्त पकड़ रखने वाले इंद्रजीत सरोज को कौशाम्बी से चुनाव लड़ाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने करीब 18 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया है। कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, आजमगढ़ से शिवपाल या आदित्य कोई लड़ सकता है, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, गोरखपुर से काजल निषाद, मुरादाबाद से एसटी हसन, उन्नाव से अनु टंडन, फतेहपुर से नरेश उत्तम, बरेली से प्रवीण एरन, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, बलिया से सनातन पांडे, अंबिका चौधरी, घोसी से राजीव राय और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। बाकी इन जिन विधायकों का नाम लिया गया है, क्या आपको लगता है कि लोकसभा में एक अच्छी फाइट दे पाएंगे, इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।